यदि आप भी अपनी नौकरी से परेशान होकर या फिर आप बेरोजगार हैं और किसी ऐसे छोटे बिजनेस की प्लान बना रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए ऐसे कुछ छोटे व्यवसाय लेकर आए हैं जिन्हें आप कम निवेश के साथ शुरुआत करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इन बिजनेसों की खास बात यह है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाए, आप इन बिजनेस को भी बढ़ा सकते हैं। तो इन छोटे से व्यवसाय के इस कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विकेश यादव और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे 10 बेहतरीन बिजनेस आइडियाज। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से बिजनेस आइडियाज हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको बिजनेस से जुड़ी जानकारी इस चैनल पर प्राप्त होती रहे। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से बिजनेस हैं। दोस्तों, नंबर वन पर जो बिजनेस आता है वो है ब्रेड बनाने का बिजनेस। दोस्तों, छोटी लागत में ब्रेड बनाने का व्यवसाय शुरू करने के लिए एक बेहतर विकल्प है। इस व्यवसाय को शुरू करके व्यक्ति हर महीने अच्छी कमाई कर सकते हैं। यह व्यवसाय आप अपने घर पर भी शुरू कर सकते हैं। ना ही ब्रेड बनाने में ज्यादा समय लगता है और ना ही ज्यादा खर्चा। मात्र 1 लाख से कम में भी आप निवेश करके इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ब्रेड बनाने के लिए आपको कुछ मशीनों की भी आवश्यकता होती है, जैसे मिक्सर आपके मैदा को गूंदने के लिए, ओवन आपके ब्रेड को पकाने के लिए और ब्रेड स्लाइसर आपके ब्रेड को उनके स्लाइस में काटने के लिए। पैकिंग के लिए आपको पॉलोथीन और उसको पैकिंग करने के लिए एक छोटी सी मशीन, उसके साथ कुछ आपको टेबल और छोटे छोटे इक्विपमेंट्स लेने की आवश्यकता हो सकती है। इसके साथ कुछ कच्चा मटेरियल जैसे गेहूँ, आटा, नमक, चीनी, बेकिंग पाउडर, यीस्ट, ड्राई फ्रूट्स व कुछ अन्य प्रोडक्ट मिलाकर ये सारी चीजें आपकी पूरी हो जाएंगी। ये सारी चीजें आपको आपके नियरेस्ट मार्केट में भी आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। साथ में इसमें आपको खुद चाहे तो सप्लाई कर सकते हैं या खुद के काउंटर पर ये सारी चीजें लगा सकते हैं। नंबर 2, मोमबत्ती का व्यवसाय। दोस्तों, मोमबत्ती के व्यवसाय को भी व्यक्ति के द्वारा 10 या 20 हजार की लागत में स्टार्ट किया जा सकता है। आज के समय में मोमबत्ती का उपयोग डेकोरेशन करने के लिए किया जाता है। होटल, रेस्टोरेंट, घरों आदि में इसका उपयोग अधिकतर किया जाता है। इसलिए आज के समय में मोमबत्ती की डिमांड बढ़ गई है। पहले केवल लाइट चले जाने पर ही इसका उपयोग होता था, लेकिन आज के समय में विभिन्न तरह की सजावट के लिए मोमबत्ती का इस्तेमाल किया जाता है। इस व्यवसाय को शुरू करके व्यक्ति द्वारा अच्छी कमाई भी की जा सकती है। आप सुगंधित कैंडल और सुंदर दिखने वाली मोमबत्तियों से लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। नंबर 3, लिफाफे का व्यवसाय। दोस्तों, लिफाफे का व्यवसाय शुरू करने के लिए व्यक्ति को ज्यादा निवेश की जरूरत नहीं है। यह स्टार्टअप कम समय में भी और अपने घर पर ही शुरू किया जा सकता है। यह एक सरल और सस्ता बिजनेस है जिसे व्यक्ति आसानी से 10 से 50 हजार रुपए के निवेश से शुरू कर सकता है। लिफाफे को कागज, कार्डबोर्ड आदि से तैयार किया जाता है। लिफाफे का प्रयोग किसी भी चीज की पैकेजिंग, ग्रीटिंग कार्ड, डॉक्यूमेंट्स आदि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस व्यवसाय को शुरू करके आप भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यदि आप लिफाफे का बिजनेस शुरू करते हैं तो इसमें आपको अच्छी कमाई होगी। अगर हम इनमें मशीनों की बात करें तो इसमें अगर आप अच्छी क्वालिटी की अगर ऑटोमेटिक मशीनें लेकर आते हैं तो 2 से 5 लाख में इसमें आपको निवेश करना पड़ सकता है। नंबर 4, होम कैंटीन। फ्रेंड्स, घर से यह बिजनेस शुरू करने के लिए एक अच्छा विकल्प है होम कैंटीन का व्यवसाय। इस बिजनेस को स्टार्ट करने में व्यक्ति द्वारा अधिक मुनाफा भी कमाया जा सकता है। शुरुआती समय में इसके लिए ज्यादा इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आज के समय में कैंटीन की मांग बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर आप होम कैंटीन का बिजनेस शुरू करते हैं तो प्रति महीने के आधार पर आप 60 से 70 हजार रुपए तो कमा ही लेंगे। शादी और पार्टी के लिए कैंटीन को ही अधिकतर ऑर्डर मिलते हैं। इस व्यवसाय को कम निवेश के साथ शुरू किया जा सकता है। बिजनेस में प्रॉफिट के बाद व्यक्ति इस व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। आज के समय में खाना का अधिकतर प्रचलन बढ़ चुका है। यह एक अच्छा कमाई का जरिया हो सकता है। नंबर 5, किराना शॉप। जरूरी सामान की दुकानें हमेशा ही चलती हैं। गांव हो या शहर, कहीं भी आप किराने की शॉप को चला सकते हैं। कोरोना के समय जहां हर प्रकार की दुकानें बंद और रोजाना की आवश्यकता वाली वस्तुओं को खोलने की छूट दी गई थी, इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किराना स्टोर की दुकान आपके लिए एक ऐसा व्यवसाय है जो आपको काफी फायदेमंद साबित होगा। अगर आप इस व्यवसाय को करते हैं तो आप स्टार्टिंग में छोटे स्तर पर भी स्टार्ट कर सकते हैं और जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती जाए आप इसे एक जनरल स्टोर में भी तब्दील कर सकते हैं या बदल सकते हैं। तो बात करेंगे नंबर 6 की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पोल्ट्री फार्म। यदि आप पोल्ट्री फार्म का व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह भी बेहद मुनाफे का सौदा हो सकता है। सरकार द्वारा पोल्ट्री फार्म को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की योजनाएं
संचालित की जा रही हैं, जिसमें आप इस उद्योग के लिए वित्तीय सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं। आप इस उद्योग को शुरू करने के लिए 0% की ब्याज पर लोन भी सरकार से कई योजनाओं के माध्यम से ले सकते हैं। नंबर 7, मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान। दोस्तों, आजकल हर इंसान मोबाइल चला रहा है और हर इंसान के लिए मोबाइल एक सबसे पहली जरूरत हो चुकी है, और आज के समय में हर काम मोबाइल के माध्यम से आसानी से होने लगा है। लेकिन जब भी आपका मोबाइल खराब होता है तो आप मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोजने लगते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास एक मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स कर रखे हैं आप, तो आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके पास कोर्स नहीं है तो भी आप किसी रिपेयरिंग करने वाले बंदे को रख कर भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर आप पर दिन 20,000 रुपये तक की भी कमाई कर सकते हैं। इसके साथ आप कुछ उनके पार्ट्स भी रख सकते हैं। अब नंबर 8 पर बात आती है, फल व सब्जियां वेंडिंग दुकान। दोस्तों, फल और सब्जियां तो हर महीनों में खाई जाती है, सुबह दिन रात खाने के लिए हर प्रकार की सब्जियों की आवश्यकता पड़ती ही रहती है। तो ऐसे में यह बिजनेस काफी अच्छा बिजनेस है। अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो कम निवेश के साथ आप अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। आप देखते होंगे हर एक सब्जी में लगभग 50% से अधिक का प्रॉफिट होता है। अब हम बात करेंगे नंबर 9, कपड़े की दुकान। दोस्तों, आज के समय में कपड़ों की भी कई वैरायटी आ चुकी हैं। अलग अलग प्रकार के डिजाइन वाले कपड़ों की दुकानें काफी चलती हैं। अलग अलग वैरायटी की कपड़ों की दुकान खोलकर भी आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे बेहतरीन बिजनेस जाने। अगर आप ऐसे ही बिजनेस की जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे समय समय पर आपको बिजनेस से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।